Hello students, so today we're going to start with the ninth chapter of your GK book. So the ninth chapter is lakes. Let's first read the refresh corner. Lakes are large water bodies which are landlocked. Landlocked ka matlab hota hai ki inke jo charo aur kya hota hai, on the all sides land hota hai. They are precious source of water and are equally beautiful. Ye bahut precious source hoti hai water ka. एंड उतनी ही ब्यूटीफुल भी होती हैं ये देखने में. OMG फैक्ट, सोलामो लेक इन सिक्किम इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया एट हाई ऑफ 17,490 फीट. इसका मतलब ये जो इंडिया की है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बनी हुई लेक है, जिसकी वाटर, जिसका जो सी लेवल है उससे हाइट है अराउंड 17,490 feet. So next we have named the cities in which the following lakes are. आपको बताना है कि किन cities में ये lake हैं. First है Dal Lake. Dal Lake जो है आपकी ये श्रीनगर में है और ये commercial point of view से बहुत important है श्रीनगर के लिए. ये tourism से और recreation से काफ़ी ज़्यादा इनकी income होती है from Dal Lake और इसको श्रीनगर का जल भी कहा जाता है. Next we have Pichola Lake. पिछोला लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये उदयपुर में है. उदयपुर में एक विलेज है पिछोली, उस विलेज के पास इसको आर्टिफिशियली बनाया गया था. ठीक है, इट्स मैन मेड, दैट्स वाई इसका नेम भी जो उस विलेज के कारण पड़ा है, पिछोला लेक. नेक्स्ट वी हैव लोनार लेक. लोनार लेक है बुल्ढाना में एंड ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और ये जो लेक है ये क्रिएट हुई थी एस्ट्रॉइड कलिजन से, जो स्पेस एस्ट्रॉइड कलिजन्स होते हैं उनके कारण ये क्रिएट हुई थी. नेक्स्ट वी हैव चिल्का लेक. चिल्का लेक जो है ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है और ये लार्जेस्ट लगून है इंडिया का और ये गंजम एरिया में प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव पोवई लेक. इट्स इन मुंबई एंड इट्स अ आर्टिफिशियल लेक और ये भी पोवई विलेज के पास बनी हुई है, मैन मेड है, दैट्स वाई इसका नेम पोवई लेक है. नेक्स्ट वी हैव उमेम लेक. ये जो उमेम लेक है ये एक उमेम रिवर है, उसको डैम करके बनाया गया है, उसके ऊपर डैम बना के ये लेक बनाई गई है. इट्स इन शिलोंग एंड इट्स वेरी गुड for tourism of that area. Next we have number 7, Chandrataal. Chandrataal जो है ये स्पिति में है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो नेम है वो क्रेसेंट से आया है. जैसे चंद्र, जैसे आप देखते हो मून की क्रेसेंट शेप होती है, वहीं से इसका जो नेम आया है चंद्रताल. नेक्स्ट वी हैव नंबर 8, भोजताल. भोजताल जो लेक है ये भोपाल में है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर लेक और ये वहाँ के रेजिडेंट जो हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं वहाँ की 40% रेजिडेंट को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का काम करती है ये लेक. नेक्स्ट वी हैव नंबर 9, पैंगोंग सो लेक. पैंगोंग सो लेक है लद्दाख में और ये जो लेक है ये 60% जो इसका पार्ट है वो तिब्बतन रीजन में है. इसका जो 40 पार्ट है वही लद्दाख में है, इंडिया में है. इसका जो 60% पार्ट है वो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन में पड़ता है. नेक्स्ट वी हैव नैनी लेक. ये नैनी लेक है आपकी नैनीताल में और इसके जो शेप है वो किडनी शेप्ड होती है. सो नेक्स्ट वी हैव न्यूज फीड. चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट विंटर हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया, होस्टिंग ओवर 160 टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन पीक माइग्रेटरी सीजन. जो चिल्का लेक है यहाँ पर विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये सबसे बड़ा प्लेस प्रोवाइड करता है उनको रहने के लिए. अराउंड 160 टाइप्स होती हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स की, जहाँ पर आती हैं जब उनका सीजन होता है तो वो